हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने ये रियोन का 3 मीटर का फैब्रिक लिया है और लेंथ की साइड से इसको 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है और इसको चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। इसमें से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग हो जाएगी। देखिए ये 4 पार्ट्स में है। अभी इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, 16 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, वो सिलाई में आ जाएगा। दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी विड्थ है 10.5 इंच। आप अपनी विड्थ के अकॉर्डिंग 4 लेयर में फोल्ड कर सकते हैं। शोल्डर 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और आर्म होल भी सेम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे और कॉर्नर से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और क्रॉच कर्व बना लेंगे। यहाँ से अंदर की तरफ 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और ऊपर की साइड तिरछा मिला लेंगे। एक क्रॉच कर्व यहाँ पर बनाएंगे। ये फ्रंट वाला आर्म होल है और ये बैक वाला। यहीं से इसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। फिटिंग है 36 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा है। और कमर की 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। और यहाँ से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब शोल्डर से 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और बंद वाली साइड तिरछा मिला देंगे। देखिए मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग करेंगे। बैक वाले आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। और सेंटर में कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग हो गई है। अब इसमें से फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जैसे आर्म होल की मार्किंग कर रखी है, एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को लेंथ की साइड से 2 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। जितनी आपको इसके बॉटम की लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग, देखिए हमने इसको 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इस तरीके से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस कॉर्नर पर टॉप वाला पार्ट रखेंगे। टॉप पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाली साइड रखेंगे और इस तरीके से सेट कर लेंगे और दोनों साइड मार्किंग करेंगे। अब इंची टेप की हेल्प से दोनों साइड बराबर होना चाहिए मार्जिन। यहाँ पे 13 इंच है तो यहाँ पे 1/2 इंच कम है, तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे और गोलाई में मार्किंग कर लेंगे।
अब इसको डार्क करेंगे। अब यहाँ से इसकी लेंथ मेजर करेंगे, बॉटम पार्ट की 26 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसके चारों तरफ इसी तरीके से रखेंगे ऊपर की साइड और 26 इंच पे मार्किंग करते जाएंगे। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग बॉटम पार्ट को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब सही सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आपको कुर्ती का घेर कम रखना है तो ओपन वाली साइड से इसकी साइड से कट कर सकते हैं। यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे आपको जितना भी घेरा चाहिए। देखिए मैंने साइड से कट कर दिया है, मुझे इतना ही घेरा चाहिए था और ये फोल्ड आ गया है। इसको कटिंग करेंगे, करके ओपन कर देंगे और यहाँ पे जॉइंट लगेगा 2 इंच का। ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, 2 लेयर में है। इसको 1/2 इंच इसके ऊपर रखेंगे। और दूसरे वाले फैब्रिक के बराबर कटिंग कर देंगे। बाद में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। देखिए इसके ऊपर इस तरीके से 1/2 इंच रखेंगे और कुर्ती की लेंथ मेजर कर लेंगे। इस तरीके से देखिए इस तरीके से कुर्ती की लेंथ मेजर कर लेंगे जितनी आपकी आपको चाहिए। बॉटम पार्ट का ये वाला लुक आएगा। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसकी विड्थ है 8 इंच और 3 इंच ओपन साइड मार्किंग करेंगे और आर्मोल की शेप दे देंगे। लेंथ ले लेंगे 15 इंच, मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम साइड 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इसमें मार्जिन भी इंक्लूडेड है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग हो जाएगी। अब सेंटर में कट लगाएंगे। अब नेक की कटिंग करेंगे। फोल्डेड साइड से 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और 5 इंच पे लेंथ की मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप देके इसकी कटिंग कर देंगे। आप चाहो तो इसमें कोई और शेप भी दे सकते हैं। देखिए फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। सेम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और लेंथ 2 इंच पे मार्किंग करेंगे।
और राउंड शेप देके इसकी कटिंग कर देंगे। ये बैक नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है और मैंने ये ओरेब की पट्टी ले ली है 2 इंच की। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगी और इसके ऊपर अटैच कर देंगे। देखिए मैं हमने ये अटैच कर लिया है, फ्रंट वाले पार्ट पे भी और बैक वाले पे भी। अब शोल्डर को अटैच करेंगे। इस तरीके से दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। इस तरीके से दोनों को एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। देखिए टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर दिया है। ये फ्रंट वाला पार्ट और ये बैक वाला। अब इसमें कट लगाएंगे। जहाँ पर टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर रखा था वहाँ पे 2 इंच पे फिटिंग की मार्किंग लगा लिया है और यहाँ से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। और शोल्डर से नीचे तक 19 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरीके से इंच टेप को स्ट्रेट रखेंगे और मार्किंग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कुर्ती में कट हमेशा लेफ्ट साइड ही लगाते हैं। अब इसको कट करेंगे। इस तरीके से देखिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और ये ओरेब की पट्टी ले ली है 1 इंच की। इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेंगे दोनों साइड। देखिए हमने ओरेब की पट्टी लगा ली है दोनों साइड। दोनों स्लीव्स को बॉटम से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब स्लीव्स को कुर्ती पर अटैच करेंगे। अब कुर्ती को इस तरीके से रखेंगे राइट साइड से और सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और सिलाई लगा के स्लीव्स अटैच करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। पहले सेंटर के एक साइड सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इसी तरीके से सेंटर के दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर लिया है और ये फिटिंग की मार्किंग कर ली है दोनों साइड। अब सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव्स के बॉटम को डबल सिलाई से लॉक कर लेंगे और जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे।
देखिए दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है, कुर्ती बन के रेडी हो गई है। अब इसको बॉटम साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। देखिए बॉटम साइड से फोल्ड कर लिया है कुर्ती को और मैंने ये बटन लिए हैं, नेक पे अटैच कर देंगे इस तरीके से। तीन बटन इस तरीके से अटैच करेंगे और एक बटन यहाँ पे लगा देंगे। देखिए कुर्ती बन के रेडी हो गई है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए, तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।